अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों, दुनिया के तमाम मुसलमान दोस्त भाइयों को सलाम अर्ज़। मैं हाँ रियाज मोहम्मद। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्त भाइयों ने गुजारिश है, अर्ज है कि साढ़े वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, ना ही लगे घंटी के बटन आल न जरूर प्रेस करो ताकि जी भी अच्छी नई वीडियो अपने दोस्त भाइयों के हवाले करने उस सबर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगी। और अल्लाह पाक तो सानू इज्जत देवे, नेक अमल नेक काम करने की तौफीक देवे। जेड़े कोई बेरोजगार भाई बच्चे साढ़े दुनिया से फिर अल्लाह पाक नूं इज्जत देवे, रोजगार देवे। तो जेड़े कोई बीमार हो अल्लाह पाक उन्होंने कमले की शफा देवे, जेड़े कोई कर्जदार हो अल्लाह पाक उन्होंने कर्ज असें तो निजात देवे। और तो सानू अगे चल के अपने लन्नी इलाके की विजिट कराने जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिला चकवाल ग्रांगाद विच पैदा होए, तो उन्होंने किते हुए निके मोटे जो काम होने या उन्होंने इतने करके गए या इस दुनिया या इस जगह तो चले गए इंडिया के बच्चे वापस अपने इलाके के बच्चे, तो उसे तो विजिट करानी है जी। आज तू मनमोहन सिंह जिला चकवाल गाँव गाह के बच्चों असी उत्थे लै के जा रहे हैं, जिस जगह ते वो हिंदू सिख अपने हिंदू अपने रस्म करते सन। तो हुण असी ग्रां दे विच इंटर हो चुके हाँ, तो थोड़ी देर जर ए दोस्त भाई ग्रां दे मिल गए सन, इन्हां दे नाल असी थोड़ी जी गपोटेशन करते पए हाँ। तो मजीद असी इंशाल्लाह अगले सफ़र जारी करके ग्रां दीआं गलियां विचों गुजरदे होयां ते असी अगे दोस्त गाइडलाइन के लिए असी मजीद उस जगह ते असी पहुंचना। ये ग्रां दा इंटर जगह ने, यानी कि इस तो अगे ग्रां शुरू हो जाता, यानी कि ग्रां दे विच असी दाखिल हो चुके हाँ। ये पहला स्टैप है, ये दोस्त यार मिले सन तो असी उत्थे पहुंचे हाँ। तो हुण असी मजीद ग्रां दे विच अंदर दाखिल हो चुके हैं। ऐ भाई सानू रस्ते ते मिले ने साढ़े दोस्त ने, तो इन्हें क्या सानू वो जगह दिखाओ जिथे वे दुख खतरी अपने मुर्दे ज लेंदे सन। तो उस जगह का नाँ रखा गया, पुराने ही नाँ से घड़ी बानो। घड़ी बान का मकसद यही है कि वह अपनी जी खाक होंगी सही उन्होंने अपने मुर्दों की उद्दे पाक है, तो उसमें तोड़ते सन। तो उत्थे सानू ठीकरियों के निशान भी मिलने, तो सानू दिखावे। हुण जगह तो चेंजिंग आ गई है, लोगों ने वो डिब्बे ठाए जड़े बने सन, उन्होंने वक्त के लिहाज न मशीनरी आ गई है, ट्रैक्टर तो बलडोजर इस किस्म की, उन्होंने ग्रा ग्रा के सारा करके तो वो जगह की चेंजिंग काफ़ी है कि बहरहाल उत्थे निशान जड़े ने ना वो मिलते हैं। हुण असा सफ़र रवाना कर चुके हैं, असी हुण करीब पहुँचने वाले हाँ। तो बड़े दुशवार से मुश्किल रस्ते है उपर नीचे, क्योंकि ग्रां के बाहर निकल गए तो बड़ा वो मुश्किल जो रस्ता, कच्चे रस्ते ने जारी गल है, पैदल भी बंदा दौड़ता पड़ता। देखो रस्ते पानी है, एक कूंदर है, तो उपर नीचे तो कच्चा रस्ता। तो असी हुण सफ़र करते पे हाँ, तो थोड़ी देर बाद असी इंशाल्लाह उत्थे पहुँचेंगे। रस्ते ते रेवड़ चलाने वाले साढ़े दोस्त बाप वो भी सानू मिलणगे, ते बकरियां जानवरों, क्योंकि जंगल है ना, ते जंगल दे विच सानू पता कि हर बंदा कोई ना कोई अपने जानवर, ते कोई पट्ठे वड रहा ते कोई जानवर चरा रहा, क्योंकि सुबह होंदी ते बंदे हर बंदा अपना जमींदार बंदा अपने अपने फंक्शन नू निकल जांदा, जमींदार बंदा अपने फंक्शन करता, हर बंदा ड्यूटी वाला ड्यूटी करता। ऐ देखो भैंस हाँ तो जानवर गाँव मजा जा रही ने, तो हूँ असी मुश्किल सफ़र तय करते हुए तो पहुँचेंगे, तो पहुँच के तुहानू विजिट करावे। तो दोस्तों गुजारिश है तुहाडे नाल वीडियो नू लाइक भी करो तो सबसक्राइब भी करो तो इंजॉय भी करो। तो यह देखो बकरियां का रेवड़ जा रहा है, बच्चा लैके जा रहा, तो क्योंकि सुबह अपने जानवरों लैके निकल रहा, शाम तक इन्होंने चराया सी। मेरे दोस्तों धनी लाइफ विलेज 3337 लाइक भी करो और सबसक्राइब भी करो।
प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना साड़ा कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक सेकंड की टच है तो साड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो लैके थोड़े वास्ते असं पेश करते रहेंगे। इंजॉय भी करो तो देखो भी और इंजॉय करो। तो हूँ असी उस जगह तक पहुँच चुके हैं ए दोस्त लैके, तो उस जगह सानू मुआयना कराएंगे। ऐ देखो थोड़ी देर बाद सानू वो जड़े घड़ियाँ यानी कि घड़ा वो टुटे आ उससे जड़े ठीकरियाँ असी पंजाबी जबान कहने उससे हिस्से छोटे छोटे वो असी चुन के तो सानू दिखाने घर जगह तो है वो जगह, क्योंकि चेंजिंग हूँ तो काफ़ी आ गई है। बंद ने अपनी जमीन आबाद कीतियां वो डिब्बे ढाए जड़े सन तो गड्डिया के नाल बुलडोजर के नाल ट्रैक्टर के छजिया नाल सैटिंग करके तो वह वाई बीजी कर ली है, जमीन आबाद कर लिया ने। तो वीडियो में लाइक भी करो तो सबसक्राइब भी करो। धनी लाइक विलेज, धनी विलेज लाइफ, सैंती सैंती सबसक्राइब भी करो तो इंजॉय भी करो तो लाइक भी करो। तो मेरे दोस्तों असं हर नई दिन अच्छी अच्छी वीडियो लैके थोड़े वास्ते आने तो आल के बटन के बाद ताकि साड़ी नैक्सट जड़ी भी नई वीडियो सी उस नोटिफिकेशन तुम मिलता रहे तो सारी वीडियो देख के इंजॉय करते रहो। तो यार एक लाइक और सबसक्राइब कर दो तो साड़ी हौसला अफजाई हो जाती। तो लाइक और सबसक्राइब करना दोस्तों कुछ भी नहीं जाता जी। नाजरीन साढ़े धनी इलाके की ये दरबार है जी, साढ़े ग्रां तो बाहर जंगल के बिचो तो बजुर्ग अस्थिया ने इतने किस जमाने के इतने दफन हुए सन। तो ये बड़ा एक डिब्बा जहा बन गया सू दिखा देने जी, तो बड़ा उपर आ गया तो असने आवाम की तावन इस दोबारा चौतरफा ए देखो दीवार बना के इटन की आवाम की तावन ग्रां की तावन असं इस तमीर कर दिता। तो इतने लोग सलाम शलाम करते हैं, कोई ददर शदर होवे छोटे मोटे को फोड़ा पिनसी होवे तो लोग इतने सलाम शलाम करते हैं। तो अल्लाह पाक दे हुक्म नाल इतने बंदे नूं शफा याबी होंदी है। ये प्यारियां अस्थियां ने जी दरबार हूँ किसी जमाने के कोई बजुर्ग अस्थियां इतना आकर उन्होंने मदफून होए सन। साढ़े ग्रां तो बाहर बैड़े वाली खनगाह असं इस सदने बैड़े वाली खनगाह ग्रां तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर जंगल के साड़ा ये बजुर्ग अस्थी इतने मदफून होए हैं। तो बैड़े वाला इसनों असी ना दिते बाद जी बजुर्ग अस्थियों जो ना चलता आ रहा सी, तो लोग इतने सलाम शलाम करते हैं। तो लोगों को काफ़ी फोड़े पिनसियाँ कोई ददर शदर हो बंद अल्लाह पाक के हुक्म नाल शफा होंदी है। बुजुर्ग अस्थियाँ जिस जगह पर भी हुई जी अल्लाह पाक के हुक्म उन्हें मनिया तो फिर अल्लाह पाक ने उन्हें गल मनी है। तो जिस जगह पर भी उन्हें अपना कोई जहाँ कलमा दरूद या किसी किस्म कोई भी उन्हें अपना जिक्र अजकार किया तो कोई अगर इंसानियत मखलूक उन्होंने गई है तो अल्लाह पाक के हुक्म नाल उसनू शफा लाजमी हुई है। तो इस रिलेटड ये साढ़े एक पैड़े वाली खनगाह असं इस आने तो ये साढ़े ग्रां तो बनगाह है तो अल्लाह पाक के हुक्म नाल लोगों को शफा आती है।